जिस व्यक्ति ने अपनी आयु के 20वें वर्ष में पेशवाई के सूत्र संभाले हों, 40 वर्ष के कार्यकाल में 42 युद्ध लड़े हों और सभी जीते हों, यानी जो सदा अपराजय रहा हो, जिसके एक युद्ध को अमेरिका जैसे राष्ट्र ने अपने सैनिकों के पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ा रहा हो, ऐसे परमवीर को आप क्या कहेंगे? आप उसे नाम ही नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका उससे परिचय ही नहीं है। 18 अगस्त 1700 में जन्मे उस महान पराक्रमी पेशवा का नाम है बाजीराव पेशवा, जिनका इतिहास में कोई विस्तृत उल्लेख हमने नहीं पढ़ा। हम बस इतना जानते हैं कि संजय लीला भंसाली की फिल्म है बाजीराव मस्तानी। अगर मुझे पहुंचने में देर हो गई हो तो इतिहास लिखेगा कि एक राजपूत ने अपनी मदद मांगी और ब्राह्मण भोजन करता रह गया। ऐसा कुछ कहते हुए भोजन की ताली छोड़कर बाजीराव अपनी सेना के साथ राजा छत्रसाल की मदद को बिजली की गति से दौड़ पड़े। धरती के महानतम योद्धाओं में से एक अद्वितीय, अपराजय और अनुपम योद्धा थे बाजीराव बल्लाल। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदी स्वराज का सपना जिसे पूरा कर दिखाया तो सिर्फ बाजीराव बल्लाल भट्ट जी ने। अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से सागर मंथा तक, केसरिया लहराने का और हिंदू स्वराज लाने के सपने को पूरा किया ब्राह्मण पेशवाओं ने, खासकर पेशवा बाजीराव प्रथम ने। इसमें शुमार अहम घटनाओं में से एक यह भी है कि 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की, बिना रुके बिना थके। देश के इतिहास में अब तक ये दो आक्रमण सबसे तेज रहे। एक अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विरोध को दबाने के लिए 9 दिन के अंदर वापस गुजरात जाकर हमला करना और दूसरा बाजीराव का दिल्ली पर हमला। बाजीराव दिल्ली तक चढ़ाए थे। आज जहां तालकोटरा स्टेडियम है वहां बाजीराव ने डेरा डाला था। 19-20 साल के उस युवा ने मुगल ताकत को दिल्ली और उसके आसपास तक सिमट कर रख दिया था। 3 दिन तक दिल्ली बंधक रहा था। मुगल बादशाह की लाल किले से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। यहां तक कि 12वां मुगल बादशाह और औरंगजेब का नाती दिल्ली से बाहर भागने वाले ही थे कि उन्हें लोगों ने बताया कि जान से मार दिए गए तो सल्तनत खत्म हो जाएगी। वह लाल किले के अंदर ही किसी अति गुप्त तहखाने में छिपे रहे। बाजीराव मुगलों को अपनी ताकत दिखाकर वापस लौट आए। हिंदुस्तान के इतिहास के बाजीराव बल्लाल अकेले एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मात्र 40 वर्ष की उम्र में 42 बड़े युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। अपराजय, अद्वितीय। बाजीराव पहले ऐसे योद्धा थे जिनके समय में 70-80% भारत में उनका सिक्का चलता था, यानी 70-80% भारत का भूभाग उनके राज में था। बाजीराव बिजली की गति से तेज आक्रमण शैली की कला में निपुण थे जिसे देखकर दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते थे। बाजीराव हर हिंदू राजा के लिए आधी रात में मदद के लिए सदैव तत्पर रहते थे। पूरे देश का एक बादशाह एक हिंदू हो, ये उनके जीवन का लक्ष्य था और जनता किसी भी धर्म को मानती हो बाजीराव उनके साथ न्याय करते थे। आप लोग कभी वाराणसी जाएंगे तो उनके नाम का एक घाट पाएंगे जो खुद बाजीराव ने 1745 में बनवाया था। दिल्ली के बिरला मंदिर में जाएंगे तो उनकी एक मूर्ति पाएंगे। कच्छ में जाएंगे तो उनका बनाया आईना महल पाएंगे। पूना में मस्तानी महल और शनिवार वाड़ा पाएंगे। अगर बाजीराव बल्लाव लू लगने के कारण कम उम्र में ना चल बसते तो ना तो अहमद शाह अब्दाली या नादर शाह हावी हो पाते, ना ही अंग्रेज और पुर्तगालियों जैसी पश्चिमी ताकतें भारत पर राज कर पाती। 28 अप्रैल 1740 उस पराक्रमी अपराजय योद्धा ने मध्य प्रदेश में सनावत के पास रावेड़ी खेड़ी में अपने प्राण त्याग दिए। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्हें शत शत नमन।